नगर पंचायत पागबाड़ा के संत नामदेव बड़ा मंदिर पर हर वर्ष की तरह इस बार भी रामलीला का मंचन किया जा रहा है। मंगलवार को रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों द्वारा हवन पूजन किया गया। इस दौरान रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों ने हवन पूजन में प्रतिभाग किया और भगवान श्री राम की आरती का पाठ किया। मुख्य अतिथि रहे भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष और वरिष्ठ समाज सेवी ठाकुर राकेश सिंह से बात की गई। तब उनके द्वारा विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए क्या कहा गया, आइए सुनते हैं। आज ये पागबाड़ा में बड़ा मंदिर पर प्राचीन रामलीला पागबाड़े की होती है, आज उसका शुभारंभ किया गया है। आज से रामलीला का शुभारंभ होगा और दशहरे के दिन तक लगातार ये कार्यक्रम राम की जो लीला है उसका मंचन के माध्यम से सारे समाज को, देश को, प्रदेश को यहाँ से राम के बारे में, राम की जो स्तुतियाँ हैं और राम जी के बारे में जो मान्यताएं हैं उनको मानते हुए दशहरे के दिन रावण से को मारने के बाद ही रामलीला खत्म होगी। आज उसका शुभारंभ पागबाड़ा में हुआ है। आज जैसे शुरुआत होने जा रही है रामलीला की, बाबूजी तो राम भक्तों से क्या अपील रहेगी आपकी? शांतिपूर्वक सुने, राम की जो राम का जो चरित्र है, उनके जो परिवार का चरित्र है, उसको समाज में अगर हर व्यक्ति ने अपने जीवन में आत्मसात कर लिया तो मैं कहता हूँ ये देश राम राज्य होगा इसमें, और ये देश जो है दुनिया के अंदर अलग ही एक पहचान रखेगा और राम के नाम से ही दुनिया में देश को जाना जाएगा। अपील क्या रहेगी रामलीला को लेकर के? सब लोग यहाँ आएँ, शांतिपूर्वक श्रवण करें, सहयोग करें, रामलीला समिति का भरपूर सहयोग करें और यहाँ पर शांति व्यवस्था के साथ में इसका स्मरण और मनन करने के लिए कि रामलीला होती है उसमें उसका ध्यान दें। इस मौके पर रामलीला कमेटी के अध्यक्ष लाल पुरुषोत्तम शरण गुप्ता, राम बाबू भटनागर, नरेश सक्सेना, सीताराम रोहिल्ला, सतपाल सिंह हुड्डा, बेग राम हलवाई, राजवीर सिंह, तोताराम सैनी, कमल सिंह सैनी, जयप्रकाश मंत्री जी, ठाकुर ओमकार सिंह, दीपू गोस्वामी, देवेंद्र कुमार, रमेश चंद गुप्ता, पंडित शैल बिहारी आदि लोग मौजूद रहे।